दोस्तों आज का मैं ये वीडियो उन कंसल्टेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो वास्तुशास्त्र के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो अनपढ़ गंवार और नौसिखिए कंसल्टेंट्स एक चक्कर लेके घूम रहे हैं दोस्तों, और वो उस चक्कर को चाहे रेक्टेंगल प्लॉट है, चाहे स्क्वायर प्लॉट है, कोई भी ऑड शेप का प्लॉट है दोस्तों, वो उन प्लॉट्स में, वो उन घरों के नक्शों पे उसको चिपका देते हैं और गलत डायरेक्शंस निकाल के वास्तु कर देते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, वो बाद में बहस पे भी उतरते हैं, वो बाद में वीडियोस बनाते हैं, कमेंट्स करते हैं, और तो और दोस्तों कहीं ना कहीं बहस करने के लिए मिल भी जाते हैं। किसी भी वेद में, किसी भी वास्तुशास्त्र की जो बुक्स लिखी गई हैं, अथर्ववेद का पार्ट है दोस्तों वास्तुशास्त्र, और बहुत सारे वास्तु के ग्रंथ हैं दोस्तों, वास्तु रत्नावली है, मायामतम है, मानसार है, विश्वकर्मा प्रकाश है दोस्तों। तो वास्तु के किसी भी बुक में, किसी भी वेद में, किसी भी ग्रंथ में दोस्तों, किसी भी बुक में दोस्तों चक्कर का कोई भी विवरण नहीं दिया हुआ। दोस्तों वास्तुशास्त्र में कभी भी जोन्स नहीं काटे जाते, ये जोन्स काट रहे हैं। वास्तुशास्त्र में दोस्तों ग्रिड कटते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल ग्रिड्स बनाते हैं हम, ये जो चक्कर में बनाया जाता है वो कोई और ही आर्क शेप उसमें ग्रिड बनता है, आर्क शेप वो, और वो उसको जोन बोलते हैं दोस्तों कि ये जोन हो गया, ये जोन हो गया, जो कि किसी भी वेद में, किसी भी ग्रंथ में कहीं पे भी ऐसा वास्तु नहीं है दोस्तों। और जब भी आप रेक्टेंगल प्लॉट पे या मकान पे, किसी भी डायग्राम पे उस चक्कर को रखते दोस्तों, वो सारी दिशाएं इकट्ठी करके दिखा देता है आपको। रेक्टेंगल प्लॉट है वो चक्कर आपने बीच में रखा, उसने सारे डायरेक्शंस वहीं पे घुमा दी, उसके आगे कोई डायरेक्शन नहीं है दोस्तों, उसके पीछे कोई डायरेक्शन नहीं है, उनका वास्तु यहाँ ख़त्म। इसीलिए मैंने कहा अनपढ़ वास्तु कंसल्टेंट, जो अपनी इतनी बुद्धि का इस्तेमाल भी नहीं करते कि थोड़ा सा लॉजिक लगा लें, और उस आगे और पीछे जो उन्होंने प्लॉट या मकान का हिस्सा छोड़ दिया है उसका भी वास्तु वो कर लें। और फिर वो कंसल्टेंट दोस्तों बहस पे उतरते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और मूर्खता उनकी ये है। तो आज उन्हीं को जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने ग्रंथ पढ़े हैं दोस्तों, मैंने वास्तु की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स के साथ काम किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है उन कंसल्टेंट से। इसीलिए आप लोगों के आगे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके आया हूँ, एक वास्तु का ग्रंथ मैं उठा के लाया हूँ दोस्तों। ये वास्तुशास्त्र की आपकी बुक है विश्वकर्मा प्रकाश, ये रहा, ये एक ग्रंथ है दोस्तों विश्वकर्मा प्रकाश आपका वास्तुशास्त्र का, और इसमें ये पेज नंबर मैंने निकाल के रख रखा है आपको दिखाने के लिए, 125 दोस्तों, ये रहा 125 पेज नंबर है दोस्तों वास्तुशास्त्र में विश्वकर्मा प्रकाश, ये बुक का नाम है। इस बुक में आप बड़े आराम से देख सकते हैं, ये डायग्राम मैं आपको साइड में शेयर भी करूंगा दोस्तों, बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्लॉट खींचता गया, जैसे जैसे प्लॉट स्क्वायर से रेक्टेंगल हुआ, सारी डायरेक्शन स्ट्रेच हो गई हैं दोस्तों, सारे ग्रिड्स जो वास्तुशास्त्र में बने वो सारे स्ट्रेच हो गए हैं, और इसमें कहीं भी कोई चक्कर का विवरण नहीं है दोस्तों पूरी बुक में। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, मैं नहीं लाया हूँ, उठा के एक ही लाया हूँ एग्जाम्पल के लिए, बट दोस्तों कहीं भी कोई चक्कर का विवरण नहीं है। ये चक्कर वाले कंसल्टेंट से बचो दोस्तों, और मैं अनुरोध करता हूँ उन चक्कर वाले कंसल्टेंट से कि बजाय बहस करने के ग्रंथ पढ़ो, बजाय बहस करने के वेद पढ़ो, उस चक्कर के चक्कर में लोगों को ना फंसाओ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन कंसल्टेंट से जो ये वास्तु का चक्कर यूज़ कर रहे हैं कि वेदों के साथ छेड़खानी ना करें, जो वेदों में दिया है उसी को यूज़ करें, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लें कि डायरेक्शंस कैसे निकाली जाती है, अगर नहीं आती हैं तो कहीं से अच्छे से किसी कंसल्टेंट से आप सीख लें, जो भी एक अच्छा कोई कंसल्टेंट हो, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा चलते चलते उन कंसल्टेंट से कि बहस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, पसंद नहीं आया होगा कंसल्टेंट्स को, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।